नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टॉक मार्केट एंड मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं रेगुलरली इंडियन स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्टॉक्स डिस्कस करता रहता हूँ। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट से आपको वेल्थ क्रिएट करने का है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं रेगुलरली न्यू वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ जो कि आपके लिए काफी यूजफुल होगा। तो आज का वीडियो में हम लोग और एक मोनोपोली स्टॉक के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज का दूसरा स्टॉक आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जो कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कंपनी का नाम है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड। कंपनी का जो बेस है नोएडा में सेटअप है, 1958 से कंपनी ऑपरेट कर रहा है। और हैवेल्स इंडिया ऐसा सेक्टर में ऑपरेट करता है जो कि बोथ इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक हाउसहोल्ड के रिलेटेड है। तो प्रोडक्ट्स में लिस्टेड है, आप देख सकते हो, स्विच गियर्स है जो कि इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक सर्किट में यूज होता है, केबल्स है, वायर्स है, मोटर्स, फैंस, कैपेसिटर्स है, सीएफएल लैंप्स है, बहुत सारे डोमेस्टिक और कमर्शियल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज होता है, स्विचेस में यूज होता है, बाथ फिटिंग्स में यूज होता है। तो जो कंपनी का जो पहले बिजनेस इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऑपरेट करते थे, आजकल वो हाउस होल्ड सेक्टर में ऑपरेट करते हैं, इसके लिए इसका डिमांड हमेशा रहने वाला है। तो ऐसा कंपनी में हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ की उसका जो हम लोग का जो प्रोडक्ट्स है उसको हम लोग को पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है और उसका फ्यूचर डिमांड भी हमेशा रहने वाला है। तो हैवेल्स इंडिया लिमिटेड का जो करंट प्राइस चल रहा है 1105। तो हैवेल्स इंडिया का फेस वैल्यू है 1 रुपए का। और एक चीज आप देख सकते हैं, 52 वीक हाई जो है 1230 के आसपास है, मतलब ये जो स्टॉक है अपना 52 वीक हाई के आसपास ही है, जहां निफ्टी अपना लाइफ टाइम हाई पे आसपास है। सिमिलरली ये स्टॉक भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और ये भी 52 वीक हाई के आसपास है। 52 वीक लो आप देख सकते हो सिर्फ 450 रुपए, मतलब जिन लोग भी 1 साल पहले खरीदे होंगे, ये साल एक साल में आपका पैसा डबल से भी ज्यादा हो चुका है। चलिए प्रोमोटर का होल्डिंग भी देख लेते हैं। करीब करीब 60% की होल्डिंग है, मतलब प्रोमोटर्स के पास मेजोरिटी शेयर्स है। और जहाँ जो इक्विटी शेयर्स अगर प्रमोटर्स के पास ज्यादा है तो उन लोग हमेशा चाहेंगे कि कैसे उनका बिजनेस एक्सपैंड किया जाए ताकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट उन्हीं की हो। और एक चीज आप देख सकते हो, जो प्रमोटर्स के जो प्लेस्ड शेयर्स है सिर्फ 0, मतलब एक भी शेयर्स उनका प्लेस्ड नहीं है। उनके प्रमोटर्स ने एक भी शेयर्स प्लेस नहीं रखे, कोई भी लोन नहीं लिखे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो हैवेल्स इंडिया का मैं अभी 5 साल का चार्ट ओपन किया हूँ। जैसे आप देख सकते हो, इसका जो स्टॉक का जो प्राइस था ये अप ट्रेंड में ही है, बीच में अप एंड डाउन हुआ है, बट ओवरऑल आप जो देख सकते हो ट्रेंड अप ट्रेंड में है। तो हम लोग को भी इसी तरह का कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां की लॉन्ग टर्म का चार्ट अप ट्रेंड में हो। देखिए, आप अगर इसका मैक्स पे भी क्लिक करते हैं तभी भी देख सकते हैं इसका जो चार्ट है, लॉन्ग रन में जब से कंपनी शुरू हुआ है तब से ये अप ट्रेंड में ही है। तो ये बहुत अच्छी सिंबल होता है बहुत अच्छा स्टॉक का परफॉर्मेंस देने के लिए फ्यूचर में। चलिए हैवेल्स इंडिया का फाइनेंशियल पोजीशन देख लेते हैं। अभी आप देख सकते हो मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे हूँ। तो आप जैसे देख सकते हो, मार्च 2016 में जो टोटल इनकम हुआ करता था 5,800 करोड़ के आसपास, मार्च 2020 का जो ईयर एंड पे 9,364 करोड़ हो चुका है। मतलब जो टोटल इनकम है कंसिस्टेंटली हर साल बढ़ा है, बीच में थोड़ा बहुत डिप्स हुए हैं, बट ओवरऑल आप देख सकते हो जो ट्रेंड है अप ट्रेंड में ही है। सिमिलरली अगर इनकम बढ़ रहा है तो टोटल जो नेट प्रॉफिट है आप देख सकते हो 715 करोड़ हुआ करता था मार्च 2016 पे, बीच में ऊपर नीचे होके अभी भी ये 733 करोड़ की आसपास है। और एक चीज आप देख सकते हो, जो इक्विटी डिविडेंड है, जैसे मैं आपको पहले बोला, उसका जो फेस वैल्यू 1 है उसके ऊपर 600% का डिविडेंड, मतलब 6 रुपए का डिविडेंड मार्च 2016 में मिलता था, आज की डेट पे भी मार्च 2020 का क्वार्टर पे भी 4 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया। तो कंपनी जो कंसिस्टेंटली उसका इनकम बढ़ रहा है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट और इक्विटी डिविडेंड जो है कंसिस्टेंटली शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है। तो हैवेल्स इंडिया का बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट पे आप एक चीज नोट कर सकते हैं, जो कैश रिजर्व से 4,241 करोड़ के आसपास है मार्च 2020 का ईयर एंड पे, जो कंसिस्टेंटली जो कैश रिजर्व से 2,580 करोड़ से बढ़ के अभी 4,241 करोड़ हो चुका है। और एक चीज आप देख सकते हो, जो लोन से कंपनी के पास एक भी पैसे का लोन नहीं है, पहले हुआ करता था मार्च 2019 मार्च 2018 पे, तो कंपनी ने सारे जो लोन से उसको क्लोज कर दिए हैं, तो अभी एक पैसा का भी लोन नहीं है, तो मतलब कंपनी डेट फ्री है।
और आप देख सकते हो कैश एंड बैंक बैलेंस जो कंपनी के पास है 1106 करोड़ के आसपास है। मतलब फाइनेंशियल कंडीशंस डेफिनेटली आप देख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट एनालिसिस करने के बाद इसका जो फाइनेंशियल पोजिशन है बहुत अच्छा है। अगर आप एक कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कुछ रिटर्न मिलने का उम्मीद रहता है। तो जैसे आप देख सकते हो, हैवेल्स इंडिया का जो रिटर्न है 1 साल में 84% के आसपास रिटर्न दे चुका है, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। 3 साल में 122% का रिटर्न, 5 साल में करीब करीब 3 गुना हो चुका है स्टॉक का प्राइस, और 10 साल में 15 गुना हो चुका है। तो ये एकदम बहुत बढ़िया स्टॉक है, आप उसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे तो आपको सॉलिड रिटर्न ये देने वाला है। कंपनी का डिविडेंड हिस्ट्री भी देख लेते हैं। कंपनी ने हर साल डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है, जो डिविडेंड का जो अमाउंट है हर साल ये बढ़ रहा है, जो कि बहुत अच्छी ट्रेंड होता है। और आप देख सकते हो उसका जो डिविडेंड यील्ड मैं लिखा हूँ 0.64%। इसका ये मतलब है अगर आपके पास करेंटली 1 लाख रुपीज का हैवेल्स इंडिया का स्टॉक्स है तो कम से कम आपको 640 रुपीज आपको हर साल डिविडेंड अमाउंट क्रेडिट होता होगा आपका अकाउंट में। और जो भी शेयर होल्डर उनका पहले से होल्डिंग होगा तो डेफिनेटली उनका डिविडेंड यील्ड और अच्छा ही रहेगा, और बहुत अच्छा डिविडेंड अमाउंट उनको आता रहेगा। चलिए, कंपनी तो डिविडेंड डिक्लेयर करता ही है, बट उसका बोनस हिस्ट्री भी देख लेते हैं। कंपनी ने 3 बार बोनस डिक्लेयर किया हुआ है, 2005 में, 2006 में, 2010 में, और हर बार आप बोनस रेशियो देखिए 1:1, मतलब अगर आपके पास 1 शेयर होगा तो आपको और 1 शेयर फ्री में मिल जाता है। तो जिन लोग भी 2005 में, मैं एग्जांपल के तौर से लिया हूं, जिसके पास 100 शेयर्स होंगे 2005 में, आज की डेट पे ये 800 शेयर्स हो चुके हैं। मतलब आप सोच नहीं सकते कि आपका जो क्वांटिटी ऑफ शेयर्स है एकदम 8 गुना हो चुका है, और स्टॉक का प्राइस भी काफी अप्रिशिएट हो चुका है। तो कंपनी बहुत डिविडेंड और बोनस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, डेफिनेटली आपको ये सजेस्ट करता है कि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लिए और 20% 30% प्रॉफिट पे निकाल दिए, नहीं, इसको कम से कम आपको 3 साल होल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद आप 5 साल 10 साल ऐसे होल्ड करने का कैपेसिटी में रहने वाले हैं। तो अभी इस वीडियो में हम लोग हैवेल्स इंडिया का जो कंपनी है उसका क्या क्या प्रोडक्ट्स है, क्या क्या प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, सब कुछ डिटेल में डिस्कशन किए हैं। उसका जो कंपनी के प्रोमोटर्स है उनके पास करीब करीब 60% की शेयर्स है। कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजिशन है बहुत अच्छा है। कंपनी डेट फ्री है। कंपनी का जो लॉन्ग टर्म का चार्ट है, आप 5 साल का चार्ट देख सकते हैं, मैक्स चार्ट देख चुके हैं, सबका जो चार्ट है अपट्रेंड में है, और कंपनी रेगुलरली डिविडेंड और बोनस डिक्लेयर करता है। तो ये सजेस्ट करता है कि ये जो कंपनी का जो मोनोपोली बिजनेस है कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, स्विच गियर्स, फैंस, जो हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, ये सब सेगमेंट में इसका जो प्रोडक्ट्स है बहुत वाइडली यूज होते हैं। तो ये सजेस्ट करता है कि आपको इस तरह का कंपनी में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करने का सोचना चाहिए, और जितना हो सके आप उसको लॉन्ग टर्म में होल्ड कीजिए। आप कोशिश कीजिए पहले 1 साल के लिए होल्ड करेंगे, फिर आप देखेंगे तो प्रॉफिट आ रहा है तो डेफिनेटली आपको फिर इच्छा होगा कि चलो मैं इसको भी और 2 साल होल्ड करता हूँ, और तो आपको रेगुलरली डिविडेंड और जो उसका जो स्टॉक का प्राइस अप्रिशिएट होते हुए देखेगा। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो बहुत तगड़ा है, फ्यूचर में इसको डेफिनेटली यूज होगा, तो फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा है। कंपनी निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स का एक स्टॉक है, मतलब निफ्टी 50 में नहीं है बट निफ्टी का नेक्स्ट 50 जो स्टॉक्स है, सिलेक्टेड स्टॉक्स है, उसमें इंक्लूडेड है। तो ये कभी भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद निफ्टी 50 में भी इंक्लूड हो सकता है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है बहुत स्ट्रांग है, फाइनेंशियल पोजिशन बहुत अच्छा है, 1 पैसा का भी लोन नहीं है। तो आप लोगों को भी इस तरह का स्टॉक में आपको बाई करना चाहिए, और अगर आपके पास पहले से स्टॉक्स है तो उसको होल्ड कीजिए, और ये डेफिनेटली जो स्टॉक है ये सेल करने के लिए है नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपको लॉन्ग टर्म का जो प्रॉफिट हिस्ट्री, रिटर्न हिस्ट्री में आपको दिखा, ये सजेस्ट करता है कि अगर आप 20% 40% 50% प्रॉफिट पे निकल गए होते तो ये डेफिनेटली गलत डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि आपको आपको मैं दिखा चुका कि पिछले 5 साल में जो प्राइस है ये 3 गुना हो चुका है। अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, कुछ प्रॉफिट्स होने वाला नहीं है, बहुत लोगों को लॉस होता है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए डिसाइड करना पड़ेगा, आप कोई भी एक सिक्योर्ड जैसा फिक्स डिपोजिट हुआ, रिकरिंग डिपोजिट, उस तरह का आपको इन्वेस्टमेंट स्कीम में आपको पैसा लगाना चाहिए, स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। और बहुत सारे लोग पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको लगता है कि इसका प्राइस जो है 1 रुपए से 2 रुपए हो जाएगा, 4 रुपए हो जाएगा, और इवेंचुअली क्या होता है सारे कैपिटल लॉस हो जाते हैं। इससे अच्छा इस तरह का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए जो कि 1100 रुपए के आसपास है, आपको लगता है कि प्राइस बहुत ज्यादा है, बट आप इसका रिटर्न हिस्ट्री, कंसिस्टेंट डिविडेंड, फाइनेंशियल पोजिशन देखने में आपको लगेगा कि नहीं 1100 रुपए देने से भी शेयर्स खरीदना चाहिए। और चाहे निफ्टी जो ऑल टाइम हाई पे हो, ये स्टॉक का प्राइस भी बहुत लाइफ टाइम हाई पे है,
बट कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे हर महीने एक SIP कर दीजिए, छोटे छोटे क्वांटिटी आप ऐड करते जाइए, जब तक आपका पोर्टफोलियो का जो टारगेट अमाउंट है मीट नहीं होता। अगर मान लो आपका पोर्टफोलियो में आपको लगता है कि हैवेल्स इंडिया का 50,000 रुपीज का वर्थ का शेयर होना चाहिए, तो आप SIP जब कंटिन्यू करेंगे और 50,000 रुपये का आपका होल्ड वैल्यू हो जाएगा, तो आप उस समय डिसाइड कीजिए कि आपको और चाहिए या फिर आप SIP कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको सिर्फ होल्ड करने का है, सेल नहीं करने का है। इस तरह का स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा वरीड रहने पर नहीं पड़ेगा कि मुझे टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है, कौन सा लेवल पे खरीदूं कौन सा लेवल पे बेचूं, क्योंकि ये जो स्टॉक जो है आप कोई भी लेवल पे एंटर कर सकते हो, कोई भी लेवल पे आपको एग्जिट नहीं करने का है, सिंपली आपको होल्ड करने का, और ये आपको अच्छा रिटर्न फ्यूचर में देने वाला है। आपको कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं भाई ये प्राइस आएगा तभी खरीदूंगा, कि जो प्राइस है, ये जो स्टॉक का प्राइस है 1100 के आसपास अभी देख रहे हो, तो जब भी मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आता है, अगर आपके पास लमसम अमाउंट है तो आप डेफिनेटली कुछ कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो आप रेगुलरली SIP कीजिए, तो ये आराम से आप मान लो 3,000 रुपये का SIP कर दीजिए, तो ये आपको हर महीने कम से कम दो तीन स्टॉक को ऐड करते जाएगा आपको पोर्टफोलियो में, तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा आपके लिए फ्यूचर में, और बहुत अच्छा रिटर्न जो कि आप FD की और RD के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते, और आपको जो रिस्क है बहुत कम है, आपको कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का मोनोपोली स्टॉक पोर्टफोलियो सीरीज का दूसरा स्टॉक। ये बहुत अच्छी मल्टी बैगर स्टॉक है, वेल्थ क्रिएटर स्टॉक है, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं, बहुत ही मिनिमल रिस्क है और बहुत आपको अच्छे रिटर्न देने का कैपेसिटी रखता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक बटन प्रेस कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नया देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं रेगुलर इस तरह का वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो आपके लिए वो वेल्थ बिल्डअप करने के लिए हेल्प हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।